राजस्थान के पोखरण में एक बार फिर इतिहास लिखा गया है। भारत की लगातार मजबूत होती सैन्य क्षमता में आज इजाफा हुआ। भारत ने आज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच मिसाइल परीक्षण कर भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। भारत ने आज नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रही भारत की ताकत के साथ ही आज मिसाइल परीक्षण के क्रम में बारूदी सुरंगरोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत IANS कवरात्ती भी नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। मिसाइल की खासियत की बात करें तो 42 किलो वजनी, 6 फीट 3 इंच लंबी ये मिसाइल 5 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार सकती है। 3 से 7 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मार गिरा सकती है। सटीकता से लक्ष्य भेदने पर इसे फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। पिछले 1.5 महीनों के दौरान DRDO का यह 12वीं मिसाइल का सफल सिस्टम परीक्षण है। DRDO प्रमुख ने कहा है कि संस्थान सेवा के लिए स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटा है ताकि मिसाइल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।